Good morning. Myself, Vaidya Mrunal Akre, Assistant Professor, Department of Dravyaguna, Global Institute of Ayurveda, Rajkot. Today we are going to see the concept of Virya. You all know our Dravyaguna Shastra has some basic principles, some fundamental principles, which consist of Dravya, Guna, Karma, Rasa, Virya, Vipak, Prabhav. In all that, now we will see the Virya. When we have to study any principle or any science, we should know its etymology, its nirukti. So, etymology of Virya is from Vir Vikranto Dhatu. Mean Vir Vikranto, ye Vir jo shabd hai, ye Sanskrit ka basic shabd hai. Is Sanskrit ke root se Vir shabd se Virya shabd bana hua hai. अब वीर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वीर्य शब्द का अर्थ शक्ति होती है, पूरे देह की शक्ति या फिर पूरे द्रव्य की शक्ति या फिर पूरे किसी चीज़ की शक्ति, जिसे हम लोग वीर्य कह सकते हैं. इन ऑल ओवर पोटेंट और पावरफुल थिंग इन अ सब्सटेंस, दैट इज वीर्य. इट इज़ फ्रॉम विक्रांत. देन इट्स डेफिनेशन. आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने वीर्य की डेफिनेशन बहुत ही सटीक शब्दों में बताई गई है. वीर्यते विक्रांतः कर्म सामर्थो भवति अनेन इति वीर्यम. मीन्स द्रव्य की ऐसी शक्ति या फिर द्रव्य की ऐसी पावर जिससे द्रव्य कार्य करता है या फिर द्रव्य का कार्य होता है या फिर द्रव्य के कर्म होते हैं, उसे हम लोग वीर्य कहेंगे. द फैक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्रग एक्शन इज नोन एज वीर्य. अब वीर्य के लक्षण, वीर्य के लक्षणों को आचार्य चरक ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया गया है कि वीर्यम तु क्रियते एन या क्रियाः ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्व वीर्य कृत क्रियाः. यानि वीर्य इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रग एक्शन. यानि वीर्य की जो है ना नेचर है या फिर वीर्य का जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होता है कि द्रव्य की कर्म, द्रव्य के कर्म ही हम से हमें वीर्य पता चलता है. क्यों पता चलता है? तो ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वीर्य. वीर्य के अंदर सारे ड्रग्स के जो कर्म है, सारे द्रव्यों के जो कर्म है, वो वीर्य के अधीन ही होते हैं. इसीलिए हमें वीर्य से या वीर्य के जो लक्षण है वो कर्म से पता चलते हैं. वाग्भट ने इसी के ऊपर कहा गया है कि ए जितने भी शक्ति है द्रव्य की, जितनी भी पोटेंसी है द्रव्य की, वो पोटेंट क्वालिटी ऑफ ड्रग को ही हम लोग वीर्य कहते हैं. अब नेचर, वीर्य का स्वरूप कैसा है? तो वीर्य के स्वरूप को अगर हम लोगों को जानना है तो उसके लिए चक्रपाणी टीका में ऐसा लिखा है, यह न कुर्वन्ति तद्वीर्यम. यानि जिससे द्रव्य की एक्शन होती है, द्रव्य का कर्म होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे. इन शॉर्ट, वीर्य इज द फैक्टर दैट इज दैट कैन परफॉर्म फार्माकोलॉजिकल एक्शन. अब वीर्य को ही हम लोग एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द्रव्य कह सकते हैं कि द्रव्य के अंदर में जो सबसे पोटेंट और एक्टिव प्रिंसिपल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य. जैसे सप्त पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा पोटेंट किसे माना गया है? वीर्य को ही माना गया है. अब वीर्य को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो वीर्य पता करने के लिए चार मुख्य चीज़ें बताई गई हैं. ये आचार्य वाग्भट ने वीर्य कैसे पहचानना है या वीर्य के स्वरूप को कैसे जानना है, उसके लिए उन्होंने इनका उल्लेख किया है. सबसे पहले उन्होंने बोला है समग्र गुण सारत्व. फिर बताया गया है शक्यत्वात् कर्षत्वात्. देन फिर बताया व्यवहार मुख्यत्वात् और बाहुल्यत्वात्. अब जो ये समग्र गुण सारता यानी क्या, जितने भी गुण होते हैं, जितने भी द्रव्य में गुण होते हैं, उन सारे गुण का जो सार भाग है उसे हम लोग वीर्य कहेंगे. यानी पूरे पोटेंट क्वालिटीज़ जो होती है, उन पोटेंट क्वालिटी का इसेंस, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे. देन शक्यत्यात् कर्षत्. इसमें क्या होता है कि
जितनी भी पावरफुल एक्शन है, जो भी पावरफुल एक्शन होती है उसे हम लोग वीर्य कहेंगे। यानी रस, गुण, वीर्य, विपाक, जितने भी चीज़ें रहती है द्रव्य के अंदर में प्रस्तुत, उन सभी में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे। देन व्यवहार मुख्यत्वाद। व्यवहार मुख्यत्वाद इम्पोर्टेंट इन यूटिलिटी। अब व्यवहार में भी हम लोग द्रव्य के वीर्य के हिसाब से ही हम लोग द्रव्य का चयन करते हैं। जैसे उष्ण वीर्य वाले द्रव्य, शीत वीर्य वाले द्रव्य, जब हम लोगों को किसी स्पेसिफिक कर्म के लिए चाहिए, से सपोज हम लोग पंचकर्मा करना चाहते हैं, तो पंचकर्मा के लिए हमें वमन करवाना है, तो वमन करने के लिए हमें अग्नि प्रधान है ना द्रव्य चाहिए, जिसमें उष्ण वीर्य हो जो शरीर में जाके दोषों को उत्क्लेशित करके ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाले। तो इसीलिए कहा गया व्यवहार मुख्यत्वात्। देन बाहुल्य, वीर्य ने अबेंडेंसी है, इसीलिए द्रव्य के अंदर जो भी अबेंडेंट क्वालिटी है उसे हम लोग वीर्य कहते हैं। तो इनके आधार पर हम लोग वीर्य को पहचान सकते हैं, वीर्य के स्वरूप को जान सकते हैं, ऐसा ये वाग भट्टाचार्य ने मेंशन किया हुआ है। अब वीर्य संख्या, वीर्य कितने होते हैं? तो जनरली सभी संहिताओं से, सभी टेक्स्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें या उनका है ना संकलन करें, तो उसमें से पता चलता है कि वीर्य, अगर हम लोग वीर्य को देखा जाए तो वीर्य के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है गुण वीर्यवाद, फिर कर्म वीर्यवाद, फिर उसके बाद में द्रव्य वीर्यवाद। अब गुण वीर्यवाद में भी दो प्रकार किए जा सकते हैं, शक्ति मात्र वीर्यवाद और पारिभाषिक वीर्यवाद। फिर द्रव्य वीर्यवाद में भी जो द्रव्य होता है, द्रव्य एज अ होल उसको वीर्य माना जाए तो चिंत्य वीर्य या फिर अचिंत्य वीर्य। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कि जब हम लोग अलग अलग आचार्यों के मत देखते हैं, तो आचार्यों का ऐसा मानना है कि वीर्य ने दो प्रकार से उनका विभाजन कर सकते हैं हम लोग। जो शक्ति है द्रव्य के अंदर की उसे हम लोग वीर्य मानते हैं, या फिर जो पारिभाषिकता रहती है, यानी पारिभाषिक यानी जैसे उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, या फिर उसमें ना फिर अष्टविध वीर्य या द्विविध वीर्य जो बताया गया। अष्टविध वीर्य यानी क्या? जो गुण होते हैं लघु, गुरु लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध तीक्ष्ण, इन सब 8 गुणों को वीर्य कहा गया है। तो अलग अलग वीर्य के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार बताए। जैसे अगर हम लोग जैसे शक्ति मात्र वीर्यवाद को देखते हैं, तो शक्ति मात्र वीर्यवाद के बारे में अगर बात की जाए, तो द्रव्य में जो द्रव्य की मोस्ट पोटेंट पावर जो होती है, या फिर जो सबसे द्रव्य का कारणीभूत तत्व होता है, उसे हम लोग वीर्य कहते हैं। जिसे आचार्य चरक ने कहा है, ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्व वीर्याकृता क्रियाः, कि वीर्य के बिना द्रव्य की कार्य शक्ति हो नहीं सकती है, द्रव्य अपनी क्रिया नहीं कर पाता है। इसी के आधार पर आचार्य चरक ने इसके दो भेद बताए, बहुवीर्यवाद, उसी को बहुवीर्यवाद उन्होंने कहा गया है। तो आचार्य चरक का ऐसा मानना है कि जो द्रव्य के भीतर की शक्ति रहती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे। फिर उसके बाद में पारिभाषिक वीर्यवाद। पारिभाषिक वीर्यवाद यानी क्या? गुर्वादीनाम वीर्य संज्ञा विशिष्टम अन्यव विहितापि लौकिक इति ही समुद्भाव्यते। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का ऐसा कहना है कि द्रव्य के अंदर जो पोटेंट शक्तियाँ होती है उसे हम लोग वीर्य कहेंगे। अब दोनों आचार्यों के हिसाब से द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों में से 8 गुण प्रधान माने गए हैं, और ये आठों के आठों गुण कर्म करने के सामर्थ्य रहते हैं, कि इन्हीं के आधार पर कर्म होता है। तो इनमें से उनका मानना है कि जैसे इसी इसी के आधार पर वीर्य के दो भेद कर दिए गए हैं। उसमें फिर बताया गया अष्टविध वीर्यवाद और द्विविध वीर्यवाद। द्विविध वीर्यवाद, अब द्विविध वीर्य जब हम लोग बात करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत का ऐसा मानना है कि जो पूरी पृथ्वी होती है वो
दो तत्वों से बनी हुई है, जैसे आग्नेय और सोमीय तत्व से। तो अग्नि और सोमीय तत्व प्रधान जो पृथ्वी है, वो सारे द्रव्यों में भी अग्नि और सोम प्रधान ही करती है। तो इसी के आधार पर वीर्य भी दो प्रकार से माने गए, अग्नि और सोम। तो उसे उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, ऐसा दो भागों में वीर्य को बताया गया है, और ये द्विविध वीर्यवाद कहते हैं। फिर अष्टविध वीर्यवाद, द्रव्य के भीतर होने वाले जो 20 गुण होते हैं, उन 20 गुणों में से, 20 गुरुवादी गुणों में से 8 गुणों को प्रधान माना गया है, जो द्रव्य के कार्य को कार्य पे असर डालते हैं, फिर द्रव्य के कार्य के लिए कारणीभूत होते हैं। अब इन 8ों में है मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत। इन 8ों को वीर्य माना गया है, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु और तीक्ष्णों को, इनको पावरफुल क्वालिटी ऑफ द्रव्य बोला गया है। और इन्हीं में से आचार्य सुश्रुत ने पिशिल और विशद के जगह पे गुरु और लघु लिया गया है, ठीक है। फिर तीसरा है कर्म वीर्यवाद। कर्म वीर्यवाद को अगर हम लोग देखते हैं तो आचार्य नागार्जुन ने कर्म वीर्यवाद बताया, नहीं द्रव्य के जो कर्म होते हैं उसी वो वीर्य के बिना हो नहीं सकते, और द्रव्य के कर्म को ही हम लोग वीर्य मानना चाहिए, ऐसा नागार्जुन ने बताया। और कर्म ये द्रव्य की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, या फिर वीर्य की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसीलिए कर्म ही वीर्य माना गया है। फिर वीर्य का पांचभौतिकत्व, हर द्रव्य सर्व द्रव्यम पांचभौतिकम के आधार पर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे द्रव्य गुण के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको, उनमें भी पंचमहाभूत होते हैं। अब इन पंचमहाभूत को अगर हम लोगों को पहचानना है तो उसमें कौन कौन से वीर्य हम लोग कैसे कार्य करते हैं उनके आधार पर उनके महाभूत डिसाइड कर सकते हैं। जैसे तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्यों में अग्नि महाभूत रहते हैं। गुरु और शीत वीर्य जो द्रव्य रहते हैं उनमें जल महाभूत प्रधान होता है। स्निग्ध वीर्य वाले जो द्रव्य रहते हैं उनमें जल महाभूत प्रधान रहेगा। मृदु वीर्य वाले द्रव्य उनमें जल और आकाश महाभूत प्रधान रहता है। रुक्ष वीर्य वाले जो द्रव्य रहते हैं उनमें वायु महाभूत प्रधान रहता है, और लघु वीर्य वाले जो द्रव्य रहते हैं उसमें आकाश, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। फिर उसके बाद में वीर्य के फंक्शन, अब वीर्य किस प्रकार से कार्य करते हैं, फंक्शंस ऑफ वीर्य, अगर हम लोग वीर्य के फंक्शंस देख सकते हैं कि वीर्य की कार्य प्रणाली, तो उसको देखने के लिए जैसे उष्ण वीर्य है तो हम लोगों को ये जो वीर्य के फंक्शंस है ये दोषों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और स्रोतसों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके आधार पर हम लोग इसको बता सकते हैं। जैसे उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य दोषों पे उसका इफेक्ट कैसा रहता है, तो उष्ण वीर्य क्या करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को और वात को, इन दोनों दोषों को कम करेगा। साथ ही पित्त अगर बढ़ता है तो उसके आधार पर क्या होगा, शरीर में दीपन होगा, पाचन होगा, दाह का जनन होगा, दाह बढ़ेगी, मूर्छा आएगी, श्वेत जनन होगा। अगर हम लोगों को वमन विरेचन पंचकर्मा करना है तो उसमें भी हमें अग्नि महाभूत उष्ण द्रव्य की ही आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में अग्नि तत्व प्रदान होने की वजह से, पित्त का वर्धन होने के वजह से दोषों का या फिर स्रोतसों में क्या होगा, विलयन होगा। विलयन यानी स्रोतसों में से जो भी अटके हुए चीज़ें हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। तृष्णा जनन होगा, तृष्णा की उत्पत्ति होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, और उष्णता के कारण जो सौम्य धातु शुक्र है उसका भी नाश होगा, इसलिए ये अवृष्य रहेंगे। फिर शीतवीर्य, शीतवीर्य जनरली शीत होने के वजह से वात और कफ बढ़ जाएगा शरीर में, पित्त कम हो जाएगा। वहीं स्रोतसों में अगर इफेक्ट देखते तो प्रह्लादन होगा, विषयंदन होगा, स्थिरीकरण होगा, प्रसादन होगा, रक्त का प्रसादन होगा, पूरे शरीर की कांति बढ़ जाएगी,
क्लेदन होगा, शरीर में एक प्रकार से क्लेद की उत्पन्नी मॉइस्चर प्रोवाइड होगा, जीवनीय इफेक्ट आएगा, स्तंभन होगा, शीत के वजह से जो धातु बहती है वो एक जगह रुक जाएगी, रक्त का प्रसादन होगा, बलवर्धन होगा, स्निग्ध वीर्य। स्निग्ध वीर्य में क्या होगा, स्निग्धत्व होने के वजह से, स्निग्ध ये कफ का गुण होने के वजह से कफ का वर्धन होगा, वात का शमन होगा, हाँ वात का जो रुक्ष गुण है वो कम हो जाएगा स्निग्ध गुण की वजह से। वही स्त्रोतसों में क्या होगा, तो स्नेहन होगा, सारे धातुओं का ब्रूहण होगा, तर्पण होगा, तर्पण होने के वजह से, सारे धातुओं का ब्रूहण होने के वजह से जो शुक्र धातु है वो भी बढ़ जाएगी, और इसी के वजह से वहाँ पे वाजीकरण होगा और वयस्थापन रहेगा। देन रुक्षगुण, रुक्षगुण क्या करेगा, रुक्ष होने के वजह से वात का रुक्षगुण बढ़ेगा, वात वर्धक होगा, कफ का स्निग्ध गुण कम हो जाएगा, पित्त का स्निग्ध गुण कम होने के वजह से कफ और पित्त दोनों कम हो जाएंगे। हाँ अब स्त्रोतसों पे क्या होगा, स्त्रोतसों पे संग्रहण होगा, पीड़न होगा, रुक्षगुण क्या करेगा, स्त्रोतसों को रुक्षण करने के वजह से वहाँ पे एक प्रकार से पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, ड्राइनेस आएगी, हाँ ईचिंग होगी, हाँ तो पीड़न होगा। गुरुगुण, अब गुरुगुण क्या करेगा, गुरुगुण कफ का है तो कफ का वर्धन होगा, वात का शमन या वात का हरण होगा, वात कम हो जाएगा। वही स्त्रोतसों पे क्या होगा, गुरुगुण होने के वजह से एक प्रकार से एक लेयर फॉर्म होगी अंदर से स्त्रोतसों में, जिसे हम लोग उपलेपन कहते हैं, धातुओं का ब्रूहण होगा, शरीर को बल प्रदान होगा, इसके वजह से वाजीकरण इफेक्ट आएगा, सारे उत्तर धातु जो है रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र इन सभी धातुओं में बल प्रोवाइड होगा। लघुगुण, लघुगुण क्या करेगा, वात का लघुगुण है तो वात का वर्धन होगा, कफ का हर होगा, कफ हर होगा। फिर स्रोतसों में क्या होगा, लेखन होगा, लंघन होंगे, सारे धातुओं का क्षय हो जाएगा, सारे धातुओं में लघुत्व आ जाएगा। हाँ जहाँ जहाँ पे भी है ना, मज्जा धातु है, मेद धातु है, मेद धातु का क्षय हो जाएगा, क्षीणत्व आ जाएगा मेद धातु में, मांस धातु में क्षीणत्व आ जाएगा। फिर उसके बाद में मृदु वीर्य, मृदु वीर्य द्रव्य के सेवन से, अधिक सेवन से क्या होगा, तो ये पित्त को कम करेगा या पित्त का शांति करेगा, पित्त हर इफेक्ट दिखाएगा, और इसी के वजह से रक्त प्रसादन और मांस प्रसादन रहेगा। मृदु गुण ये मांस धातु का है, रक्त धातु का है, जितने भी नरम धातु है उन सभी में मृदु गुण रहता है, जिसके कारण वो सारे धातुएं प्रसादित होगी, वो सारे धातुएं क्वालिटी में अच्छी होगी। देन तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण कैसा रहता है, तीक्ष्ण गुण शरीर में जाके छेदन करने का काम करेगा, स्क्रैपिंग करने का काम करेगा, वहाँ से लेखन करने का काम करेगा, इसके वजह से तीक्ष्ण गुण क्या करेगा, कफ का हरण करेगा, कफ को कम करेगा। संग्राही, स्त्रोतसों पे इफेक्ट क्या दिखाएगा, संग्रहण करेगा, आचूषण करेगा, कहीं पे भी अगर स्त्राव है उसको कम करने की कोशिश करेगा, अवधारण करेगा, और स्त्रवण, स्त्रवण यानी जितने भी बहने वाली धातु है या लिक्विड धातु है, जलीय पदार्थ जलीय धातु है, उन सभी का स्त्रवण करेगा। विषदत्व, विषदत्व कैसा है, कफ का हरण करेगा, विषद यानी क्या, जो क्लियरनेस ला ले, एकदम क्लियर सुपर नेटन जो रहता है उसे हम लोग विषद कहते हैं। अब विषद वीर्य वाले द्रव्य क्या करेंगे, कफ का हरण करेंगे, रुक्षण स्रोतसों पे रुक्षण करेंगे, रोपण करेंगे, क्लेद जहाँ जहाँ पे भी है, मॉइस्चर जहाँ जहाँ पे भी, उसका आचूषण करेंगे, उसको कम करेंगे। देन उसके बाद में पिश्चिल, पिश्चिल गुण क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा, उपलेप करेगा, हाँ और पूरण करेगा, ब्रूहण करेगा, वाजीकर इफेक्ट रहेगी। वीर्य उपलब्धि, अब वीर्य को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं या वीर्य की उपलब्धि कैसे होती है, तो वीर्य की उपलब्धि के विषय में आचार्य चरक ने बताया है, वीर्यम यावद अधिवासात सन्निपातात च उपलभ्यते, वीर्य जब तक के अधिवास या फिर निपात, इन दोनों के वजह से हम लोगों को वीर्य का पता चलता है। अब वीर्य का ये जो परसेप्शन है, ये अधिवास और निपात से कैसे पता चलेगा, तो जब तक द्रव्य शरीर में है, शरीर में इंटरनली कॉन्टैक्ट में रहता है, शरीर से एक्सक्रीट नहीं होता है, तब तक के वो द्रव्य अपना काम करते रहेगा, इसे ही हम लोग अधिवास कहते हैं, यानी शरीर में उस
का स्थान रहता है, वो शरीर में रहता है तब तक के हमें वीर्य की उपलब्धि होगी। नेक्स्ट है निपात से। निपात यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से जब हमें पता चलता है, जैसे मरीच, मरीच का उष्ण वीर्य है। जब हम लोग मरीच के पाउडर को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ में थोड़ी सी चुरचु कुछ गर्मी महसूस होती है, समथिंग इचिंग सा लगता है, तो उस पर से हम लोग बता सकते हैं कि मरीच कितना तीक्ष्ण है और उष्ण है। मरीच की हम लोग सुगंध लेते हैं, सुगंध लेते बराबर छींक आ जाती है, इस पर से पता चलता है कि मरीच के उष्णत्व और तीक्ष्णत्व गुण को, ठीक है। तो यही चीज़ हमें निपात से पता चलती है, यानी वीर्य दोनों से, अधिवास से और निपात से ऐसे पता चलता है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखा जाए तो आचार्य चक्रपाणी ने दोनों निपात और अधिवास के एग्जाम्पल बताए थे। शीत वीर्य, सैंधव का शीत वीर्य और अनुपमास का उष्ण वीर्य, दोनों अधिवास से पता चलता है, यानी जब तक शरीर में सैंधव लवण है और अनुपमास हमारे शरीर में है खाया हुआ, तब तक के हमें उसके शीत और उष्ण वीर्य की प्रचिति होती है। राजिका का जो तीक्ष्ण वीर्य है वो निपात से पता चलता है, जैसे राजिका का जो पाउडर है उसको अगर हम लोग प्रत्यक्ष स्मेल लेते हैं उसकी, तो उसके तीक्ष्णत्व गुण की हमें पता चलता है कि राजिका का चूर्ण अगर सूंघ लिया जाए तो उससे छींक आ जाती है। मरीच, वैसे ही मरीच का जो है ना उष्ण वीर्य है वो अधिवास और निपात से पता चलता है। फिर उसके बाद में वीर्य निर्धारण। अब हम लोग वीर्य का निर्धारण कैसे करेंगे, तो वीर्य निर्धारण करने के लिए आचार्य चरक ने बताया, शीतम वीरेण यद्रव्यम मधुरम रसपाकयोः तयोर अम्लम यदुष्णम च यद्रव्यम कटुकम तयोः। यानी ये कॉमन कोट आचार्य चरक ने बताया है कि जैसे मधुर रस वाले जितने भी द्रव्य होते हैं उनका विपाक भी और मधुर हो, तो ऐसे वीर्य क्या करते, शीत ही रहेंगे। ऐसे द्रव्य कैसे रहेंगे, शीत वीर्यात्मक। वहीं पे अगर अम्ल रसात्मक द्रव्य है जिनका विपाक भी अम्ल है तो उनका वीर्य कैसा रहेगा, उष्ण रहेगा। कटु रसात्मक द्रव्य है उनका विपाक कटु है तो उनका वीर्य भी उष्ण रहेगा। अब ये जो आचार्य चरक ने बताया, ये समान प्रत्यारब्ध द्रव्य या फिर प्रकृति समवेद जो द्रव्य रहते हैं उनके बारे में ये ठीक है, बट ऐसे कुछ द्रव्य रहते हैं कि जिनका है ना रस अलग होता है, विपाक अलग होता है और उनका वीर्य हम लोग बता नहीं सकते, तो ऐसे द्रव्यों के लिए आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने डायरेक्टली उनके वीर्यों का निर्धारण करके हमें बता दिया है, जैसे वो हम लोग आगे के चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुपमास है, अनुपमास में उस जैसे अनुपमास है, अनुपमास का वीर्य कैसा रहता है, मधुर रहता है लेकिन उसका वीर्य उष्ण है। आमल की अम्ल रसात्मक है पर वीर्य शीत है और कर्म क्या दिखाती है, वो रसायन। सैंधव लवण, लवण होने के बावजूद भी, लवण रसात्मक होने से भी वो अनुष्ण है और शरीर में क्लेदन कर्म करता है। गुड़ुची, तिक्त रसात्मक होने के बावजूद भी उसका वीर्य उष्ण है और रसायन कर्म करती है। बृहत पंचमूल, कषाय तिक्त होने के बावजूद भी उनमें उष्ण वीर्य है और वाथर कर्म करते हैं। हरित की कषाय रसात्मक है, प्रधान कषाय रस है, फिर भी उसका वीर्य कैसा, उष्ण है और कर्म कैसा दिखाती है, वो अनुलोमन कर्म करती है। वहीं पे सुश्रुताचार्य ने उन्होंने कुछ ड्रग के बारे में बताया, जैसे बृहत पंचमूल कषाय तिक्त है, वीर्य उष्ण है और वाथर कर्म करते हैं। आमल की अम्ल रसात्मक होने के बावजूद भी शीत और मृदु वीर्यात्मक है और पित्तहर है। सैंधव लवण, लवण रसात्मक होने के बावजूद भी शीत और मृदु वीर्यात्मक है और क्लेदन कर्म करता है। कुलत्थ कषाय रसात्मक होने के बावजूद भी स्निग्ध वीर्य है और वाथर कर्म करता है। पलांडु, कटु रसात्मक होने के बावजूद भी स्निग्ध वीर्य है और वाथर कर्म करता है। इक्षु, मधुर रस होने के बाद शीत वीर्य है बट वातकर है, वात को बढ़ाता है। पिपल्ली कटु रसात्मक होने के बावजूद भी शीत और मृदु वीर्यात्मक है, पित्तहर है। मूलक कटु रसात्मक होने के बावजूद भी स्निग्ध है और कफहर काम करता है या फिर कफहर उसका कर्म है। अब ये हम लोगों ने सब वीर्य के बारे में बताया। अब वीर्य के बारे में देखने के बाद में वीर्य प्रधानत्व, कि वीर्य को प्रधान क्यों माना गया है, तो इसके ऊपर बताया गया कि सबसे पहले कर्म कारण।
जितने भी इन द्रव्यों के कर्म होते हैं वो वीर्य के ऊपर निर्धारित होते हैं, इसीलिए वीर्य को प्रधान माना गया है। रसाभिभाव, जनरली जब द्रव्य हम लोग खाते हैं, खाने के बाद में वीर्य क्या करता है कि जब रस से एक्शन होती है मुख में, रस के एक्शन होने के बाद में जब द्रव्य शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद में वीर्य से वो अपना कार्य दिखाते रहता है, इसी के लिए रस का अभिभाव करके वीर्य अपना काम करता है, इसीलिए वीर्य को प्रधान माना है। आप्तोपदेश, जनरली सारे आचार्यों ने वीर्य को प्रधान माना है, इसीलिए आप्तोपदेश के आधार पर वीर्य को प्रधान किया गया। वीर्य प्रधानत्व, सभी द्रव्यों के जो कॉम्पोजिशन होती है, रस, गुण, विपाक, प्रभाव, कर्म, इन सभी में वीर्य को प्रधान माना गया है। क्यों? क्योंकि वीर्य यानी क्या, जो द्रव्य की शक्ति होती है, और द्रव्य की शक्ति होने के वजह से उसे प्रधान किया गया है, और इसीलिए वीर्य को भी हम लोग प्रधान कहते हैं। तो इसी के साथ में वीर्य का संपूर्ण टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।